तो भाई अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को रिलीज होने में 2 दिन बाकी है, पर सोनी की मार्केटिंग तो इतनी गजब की है कि जी करे तो ये पूरी पिक्चर एकदम बढ़िया क्वालिटी में दिखा देंगे, और पता नहीं शायद दिखा भी सकते हैं, हु नोस। तो इसमें मैं आपको सब बताऊंगा उन चीजों के बारे में जो आपको मूवी को देखने से पहले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये मूवी इंडिया में 1 जून को रिलीज हो रही है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग स्पॉइल नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे क्लिप्स टीवी स्पॉट्स रिलीज करके ये लोग अपनी मूवी स्पॉइल तो कर रहे हैं, फिर इसके बाद स्पेशली इंडिया में इसे हर लैंग्वेज में डब किया जा रहा है, क्योंकि इसमें स्पाइडरमैन इंडिया पवित्र प्रभाकर की अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है। इसमें डेडपूल के दोपिंदर का रोल प्ले करने वाले करण सोनी इंग्लिश में डबिंग कर रहे हैं, और इंडिया में शुभमन गिल हिंदी में इसकी डबिंग कर रहे हैं। और स्पाइडरमैन इंडिया एके पवित्र प्रभाकर कॉमिक्स में एक गरीब घर से आता है, और इसकी कहानी कुछ हद तक पीटर पार्कर से मिलती जुलती है, बट जहाँ पे पीटर पार्कर को अपनी पावर्स स्पाइडर से काटते हुए मिलती है, वहीं पे इसे एक ऋषि मुनि से मिलती है कॉस्ट्यूम के साथ। अब इसके 4 इशूज पब्लिश किए गए, लेकिन इसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, तो इसी वजह से इसे आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मूवी की लेंथ 2 आवर्स 20 मिनट्स की है, और ये मूवी इस फ्रेंचाइज की सबसे लंबी मूवी है, क्योंकि इनटू द स्पाइडरवर्स 1 आवर 57 मिनट्स की थी, और ये मूवी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक क्लिफ हैंगर पे एंड होगी, और इसके इवेंट्स लीड करेंगे बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में। इसमें पुरानी कास्ट रिटर्न करेगी बस स्पाइडरमैन नोआर को छोड़ के, और हाँ इसमें डेविड कलोया अगर आप इनको नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये भाई साहब ब्लैक पैंथर में वकाबी का रोल निभा चुके हैं। इस मूवी में ये स्पाइडरपंक का रोल प्ले करेंगे। इसे देख के लग रहा है कि इसके गिटार के बजाने के बाद मल्टीवर्स में हलचल मच रही है। साथ ही में हमारे मून नाइट का रोल निभाने वाले ऑस्कर आइज़ैक का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि इसमें ये मिगुएल ओहारा एके स्पाइडरमैन 2099 का रोल प्ले करेंगे। अब मिगुएल ओहारा एक ग्रे शेड कैरेक्टर है जो एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में रहता है। इसके पास पीटर पार्कर की तरह सारी पावर्स है, लेकिन इसके पास टैलेंट्स ऑफ फैंग्स है जिससे पैरालाइजिंग नॉन टॉक्सिक वेनम निकलता है, और साथ ही में इसके पास टेलीपैथी और नाइट विजन है, लेकिन ये इस मूवी का विलन नहीं है, क्योंकि इस मूवी का विलन स्पॉट है। अब स्पॉट एक स्पाइडरमैन का विलन है जिसके बॉडी में इतने सारे स्पॉट्स हैं जो एक तरीके से पोर्टल की तरह काम करते हैं, और इस मूवी को देख के लग रहा है कि इसमें माइल्स और मिगुएल ओहारा के बीच में एकदम भी नहीं बनने वाली है। और इसमें हमें जेसिका ड्रियो एके स्पाइडरमैन वुमन देखने को मिलेगी, जिसकी पावर्स को थोड़ा सा चेंज किया है, और हमारे जॉन जॉनी जनार्दन, अबे साले माफ करना मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मेरा मतलब है कि टॉम एंड्रयू टोबी के स्पाइडरमैन में भी हमें दिख सकते हैं, इसके चांसेस काफी कम है क्योंकि इसमें इतने सारे स्पाइडरमैन आने वाले हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके एक बार देख लेना। इस मूवी में इतने सारे स्पाइडरमैन होंगे ना कि मूवी को देखने के बाद आपको हर चीज में एक स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। ज्यादा बोल दिया। फिर इसके बाद आपको इस मूवी से पहले इसका पहला पार्ट इनटू द स्पाइडरवर्स देखना है, और इसके लाइव एक्शन मूवीज देखना ऑप्शनल है, और अगर आपको देखना ही है तो आपको फिर स्पाइडरमैन 1, 2, 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर फार फ्रॉम होम, फिर नो वे होम, वेनम, फिर उसका दूसरा पार्ट लेट देयर बी कार्नेज, मोरबियस को नहीं देखना है। आपको फिर से बता रहा हूँ कि इन लाइव एक्शन मूवीज को देखना ऑप्शनल है। अब इस मूवी के साथ सोनी पिक्चर्स अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को एनिमेटेड यूनिवर्स और शायद एमसीयू से कनेक्ट करेंगे। इसमें कई सारे रूमर्स एसोसिएटेड हैं कि इसमें और भी ज्यादा कैमियोज देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके चलना, नहीं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा, और हाँ मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं, उसको चेकआउट करना मत भूलना। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।